हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं फिर से आ चुका हूँ बहुत दिन बाद एमके मोटर्स, जो कि कुल्टी क्लब रोड नियर टॉम एंड जेरी स्कूल के पास है। तो ये भैया भी आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हेलो एवरीवन। तो आज हमारे सब्सक्राइबर को क्या डील देने वाले हैं? आज हमारे पास स्पोर्ट्स सेगमेंट का कुछ बाइक्स है, माइलेज बाइक है कुछ, इसके अलावा स्कूटी का बहुत कलेक्शन है। अच्छा, बहुत सारी गाड़ी आप लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते, बाहर में भी बहुत सारी गाड़ी लगी हुई है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग प्राइस आज का क्या है? आज का स्टार्टिंग प्राइस हम लोग का 8,500 रुपया है। 8,000? ओनली 8,500। गाड़ी बाहर पड़ी है, 8,500 से स्टार्टिंग प्राइस। हीरो होंडा की CD100 SS जो बहुत डिमांडिंग गाड़ी है। अच्छा, हीरो होंडा की CD100 SS वो 8,500 रुपया में हम लोग देंगे। अच्छा, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते। पहली बाइक कौन सी भैया? पहली बाइक सुजुकी की इंट्रूडर है, 2018 मॉडल। कंडीशन आप देख सकते हैं, कंडीशन आप गाड़ी है, इंश्योरेंस पॉल्यूशन सब इसमें चालू है, सारा कुछ आप लोग यहाँ पे मिल जाए, कंडीशन देख सकते हो। प्राइस क्या होगा इसका? इसकी प्राइस पड़ेगी 58,000 में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या? इसके बाद हम लोग के पास वर्जन 2 है, वर्जन 2 R15 वर्जन 2, इंश्योरेंस पॉल्यूशन के साथ मिलेगा ये गाड़ी। इंश्योरेंस पॉल्यूशन के गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं, लिमिटेड एडिशन है ये, स्पेशल एडिशन में आता है। इसका दाम है आपका, ये चली हुई है 24-25 हजार के आसपास, 24-25 हजार के आसपास से चली हुई है। प्राइस क्या होगा? आस्किंग प्राइस होगा 58,000। 58,000 इसका आस्किंग प्राइस है। नेक्स्ट क्या भैया? इसके बाद आप देख सकते हैं CBR 150। CBR 150 नेक्स्ट टाइम जब आया था तभी रेडी नहीं था, बट अभी रेडी हो गया, अभी रेडी होकर आ गया पूरा। इसका प्राइस पड़ेगा आपका 60,000। 60,000 60,000 2016 मॉडल। 2016 कंडीशन आप देख, 60,000 में आपको मिल जाएगी। कंडीशन वगैरह सारा कुछ आप लोग देख सकते हो। 2016 है, ये CBR 150 है। इसके बाद आप देख सकते हैं पल्सर 150 2016 मॉडल। 16 की आपने देखने मिल जाएगी, 27,000 चली हुई है, सेकंड ओनर है गाड़ी। कंडीशन आप देख सकते हैं, प्राइस होगा 38,000 इसका आस्किंग प्राइस है। तो अब हम चलते हैं बाहर, बाहर में जितनी कलेक्शन सारा कुछ अभी हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट बाइक कौन सी भैया? इसके बाद हम लोग आते हैं हॉर्नेट 160। कंडीशन आप लोग इसकी भी देख सकते हो, आप देख सकते हैं 2016 मॉडल। 2016 मॉडल कंडीशन आप देख सकते हो, अच्छी कंडीशन में आपको ये भी देखने मिल जा रही है। प्राइस क्या है इसका? इसका प्राइस पड़ेगा 43,000। चली कितनी है ये? चली है 22,000 के आसपास। ओनर क्या होगा भैया इसका? इसका ओनर फर्स्ट है, गाड़ी आपको ये देखने मिल जा रही। नेक्स्ट क्या भैया? इसके बाद आप देख सकते हैं सुपर स्प्लेंडर है हमारे पास, 2020 की है, BS4 है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, इंश्योरेंस वगैरह सब चालू है 2025 तक। इसका आपका प्राइस पड़ेगा, इसका भी 58। नेक्स्ट क्या भैया? इसके बाद आप ग्लैमर देख सकते हैं, 2021 की है, BS6 थोड़ी अभी आज थोड़ा सा डस्ट हो रहा है बहुत, तो धूल जम गया, कंडीशन बढ़िया से 8,500 रुपए में घर में गाड़ी लेके चले जाइए। नाम ट्रांसफर हो जाएगा? ये नाम ट्रांसफर नहीं होगा, एग्रीमेंट में होगा। एग्रीमेंट में ओल्ड मॉडल है, अगर कोई भी अगर लेना चाहते तो इजीली आप लोग ले सकते हो। स्क्रैप से भी कम रेट में आपको गाड़ी मिलेगा, स्क्रैप से भी कम रेट में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या? 8,500। इसके बाद बाइक्स में आप बाहर आ सकते हैं, बाइक्स में हमारे पास पल्सर 150 है, 2012 का मॉडल है, 2012 की पल्सर 150, फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। इसका आपका प्राइस पड़ेगा 22,000 रुपया। 22,000 इसका प्राइस है। आप देख सकते हैं होंडा का स्टनर, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, पंचिंग नंबर है, 2010 की है, इसका भी 22,000 रुपया, इसका भी 22,000 में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या भैया? माइलेज बाइक में बहुत सारी बाइक है, आप देख सकते हैं अंदर में भी देख सकते हैं, बहुत सारी बाइक आपको देखने मिल जा रही है। टीवीएस की रेडियो ना, 2021 मॉडल है, इसका आस्किंग प्राइस होगा 58,000। 58,000 इसका आस्किंग प्राइस है। कंडीशन आप लोग सारा कुछ देख, 2021 की है, BS6 है, और नंबर भी देख सकते हो 55-44 नंबर इसका, बढ़िया नंबर है, बढ़िया नंबर देख सकते हैं आप, सब कुछ सही है। और रिसेंट मॉडल भी अगर कोई लेना चाहता है ले सकते हो। प्राइस 2021 की मॉडल है इसका, 58,000। 58 न्यू का क्या प्राइस होगा इसका? न्यू का प्राइस है अप्रोक्सीमेट 90-95 के बीच में, 90-95-55 में यहाँ मिल जाएगा। स्प्लेंडर का अल्टरनेट है, अगर स्प्लेंडर जो लोग हीरो में नहीं जाना चाहते हैं तो वो टीवीएस का रेडियन ले सकते हैं, पीछे का सब लुक तो है स्प्लेंडर जैसा ही है। अच्छा, नेक्स्ट क्या भैया? टीवीएस का स्पोर्ट्स है, ये 2021 की गाड़ी है, 2021 की अभी आपको मिल जा रही है, कंडीशन देख सकते हो। BS6 है, ऑल पेपर्स ओके है सब गाड़ी में। अच्छा, इसका आपका आस्किंग प्राइस होगा, इसका भी 58,000 इसका भी आस्किंग प्राइस होगा। नेक्स्ट क्या भैया? टीवीएस का स्टार स्पोर्ट्स है, टीवीएस स्टार स्पोर्ट 2019 BS4, फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर गाड़ी आपको 42,000 में मिलेगी। 42 2019 मॉडल, 2019 की 42 में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या भैया? SF डीलक्स 2017 BS4, ऑल पेपर ओके है, डिक्की लगा हुआ है, फॉग लाइट वगैरह लगा हुआ है, सब आपका लुकिंग ग्लास वगैरह लगा हुआ है। इसका आपका प्राइस पड़ेगा 46,000।
46,000 में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या स्प्लेंडर आई स्मार्ट है। अगर हीरो होंडा में कोई नॉर्मल थोड़ा ऊंचा मॉडल लेना चाहता है और अगर हीरो लेना चाहता है तो स्प्लेंडर है, आई स्मार्ट है, ये स्प्लेंडर स्मार्ट मिल जा रही है। तो प्राइस पड़ेगा आपका 40,000 रुपया। 40,000 में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या भैया, ये आप देख सकते हैं कम बजट का पैशन है, पैशन प्लस। पैशन प्लस ये गाड़ी फुल रेडी है, ये गाड़ी अलॉय व्हील फिट है, सेल्फ नहीं है इसमें। अच्छा, ये 2008 की मॉडल है लेकिन इसका 5 इयर्स टैक्स और फिटनेस किया हुआ है। अच्छा, इसका पेपर वैलिडिटी 2028 तक है। 2028 में इसमें इंश्योरेंस, पॉल्यूशन और पंचिंग नंबर तीनों किया हुआ है। पंचिंग नंबर गाड़ी का प्राइस पड़ेगा आपका 22,000 मिल जाएगी। 28 तक इसका वैलिड है सारा कुछ, सारा कुछ। नेक्स्ट क्या भैया, अगर हम देखते हैं कि स्कूटी का कलेक्शन है 2016 की यामा अल्फा, ये सब झारखंड नंबर के ऊपर की गाड़ी है। ये धनबाद नंबर आपको ये देखने को मिल जा रही, कंडीशन देख सकते हो। हाँ, प्राइस क्या भैया इसका, इसका प्राइस पड़ेगा आपका 28,000 में आपको मिल जाएगा। 2016 की मॉडल है, 2016 की झारखंड नंबर आपको देखने को मिल जा रही, धनबाद की। नेक्स्ट क्या देख सकते हैं, 2008 की एविएटर है, एविएटर 2008 पंचिंग किया हुआ है, नंबर आपका रिन्यूड है 2028 तक है, 2028 तक फिटनेस है और इसका इंश्योरेंस पॉल्यूशन सब ओके है। प्राइस क्या होगा इसका, इसका पड़ेगा 22,000 रुपया। 22,000। नेक्स्ट क्या ये आपका 27,000 रुपया में एक्टिवा, एक्टिवा का डीएलएफ मॉडल 2013 का मॉडल है, 27,000 रुपया। कंडीशन देख सकते हो, सेल्फ वगैरह सब ओके है। नेक्स्ट क्या, सारी गाड़ियां सेल्फ स्टार्ट है। अच्छा, ये 2015 की टीवीएस की पेप, लेडीज लोग के लिए अच्छा होता है, ये फीमेल लोग के लिए अच्छा होता है, साथ में सीनियर लोग के लिए भी अच्छा होता है। अच्छा, ओल्ड एज पर्सन होता है, इसका भी 22,000 रुपया। 22,000 में मिल जाएगी। हीरो का मास्टर है, आप देख सकते हैं कार्बन ब्लू कलर है, फर्स्ट ओनर है, 29,000 चली हुई है। ये गाड़ी का आपका प्राइस पड़ेगा 32,000 में आपको मिल जाएगी। 30,000 अब हम चलते हैं अंदर, अंदर भी और कलेक्शन है हमारे, जब हम लोग कवर करते हैं तो स्कूटी में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और आप लोग 5 स्कूटी देखिए, बीएस 4 4G है, एक्टिवा 4G 2017 4 है, इसका प्राइस पड़ेगा आपका 40,000 इसका प्राइस पड़ेगा। कंडीशन आप लोग देखिए, मैस्ट्रोज आप देख सकते हैं 2017 की है, 2017 की है, इसका आस्किंग प्राइस पड़ेगा आपका 34,000 इसका आस्किंग प्राइस। कंडीशन देख सकते हो, टीवीएस जुपिटर BS4 ZX मॉडल है, ZX गाड़ी का आपका दाम पड़ेगा 38,000 रुपया। 38,000 में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या भैया, के बाद एक्टिवा 3G है, एक्टिवा चेरी रेड कलर है, आप देख सकते हैं, इसका दाम पड़ेगा आपका 38,000। इसके बाद आप देख सकते हैं यामाहा का रेजेड 2020 पॉल्यूशन सब ओके है, सेकेंड ऑनर है, 20,000 चली हुई है, 21,000 के आसपास चली हुई है, 21,000 का दाम पड़ेगा आपका 58,000 में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या जाएगी, इसके अलावा हमारे पास झारखंड नंबर एक प्लेजर है, धनबाद नंबर 2012 की सेल्फ स्टार्ट है, इसका 22,000 रुपये पड़ेगा। 22,000 में आपको मिल जाएगी सेल्फ स्टार्ट गाड़ी। इसके अलावा हमारे पास और भी गाड़ी है, एक्टिवा 5G है लिमिटेड एडिशन, वो फोटो मैं आपको दे दूंगा, गाड़ी रेडी हो रही है। अच्छा, वो आपको पड़ेगा 58,000। 2020 की है, उसमें फर्स्ट ओनर है, इंश्योरेंस वगैरह सब ओके है, 2020 की एक्टिवा 5G, वो पड़ेगा आपको 58,000। इसके अलावा एक यामाहा का FZ है, FZ14 का, वो 34,000 रुपया पड़ेगा। 34,000 में यामाहा का FZ वर्जन 1 है, किक भी है, सेल्फ भी है, दोनों है। तो इसके अलावा हमारे पास ड्रीम योगा है, ड्रीम योगा 2015 का, वो बाइक आपको पड़ेगा 38,000। वो सबका फोटो मैं दे दूंगा, वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो गोडाउन में है। साथ में एक महिंद्रा ड्यूरो जो हमारा मिनिमम प्राइस में है 18,000 में, 2011 का महिंद्रा ड्यूरो स्कूटी है। अच्छा, ये कल तक आपको यहाँ पे शोरूम में मिलेगा हमारे पास, फिलहाल अभी हमारे पास यही कलेक्शन है। तो अभी के लिए जितने भी कलेक्शन थे सारा कुछ अभी हम लोग कवर कर लिया, तभी के लिए बस इतने कलेक्शन था भैया, अभी के लिए फिलहाल इतना ही कलेक्शन है। जो आपको फोटो देंगे वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, और बहुत सारी गाड़ियां अभी और इंक्वायरीज है, सब आएगी धीरे धीरे। और एड्रेस बता दीजिए, एड्रेस हमारा है कुल्टी क्लब रोड के पास में टॉम एंड जेरी प्ले स्कूल है, बस उसके पहले ही हमारा जो पूरा कार का मंडी है कुल्टी में, वहीं पे बीचों बीच रोड पे ही हमारा शोरूम है। अगर आप लोग कुछ समझ नहीं आता है तो आप आसनसोल साइड से कोई आता है तो कुल्टी क्लब रोड कोई भी बस वाले को बोलेगा वहाँ पे ड्रॉप दे देगा, और अगर इनकेस कोई बाइक से आता है तो वो गूगल मैप में अपना डाल दे कुल्टी टॉम एंड जेरी प्ले स्कूल, तो बस टॉम एंड प्ले जेरी जहाँ रुका वहीं पे हमारा शोरूम है। अच्छा, तो बस आज के इतने भैया, आज के लिए इतना ही, तो बस आज इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। और फाइनेंस हो जाएगा भैया? हाँ, फाइनेंस होगा, 2016 से ऊपर की जो मॉडल है वो सब फाइनेंस हो जाएगी, BS4 BS6 जितनी भी है सब फाइनेंस हो जाएगी। अगर कोई फाइनेंस में भी अगर लेना चाहते हो इसलिए आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। बिल्कुल, आज के इतना ही, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अच्छी लाइक कर देना,
जो चैनल में न्यू है सब्सक्राइब करना, जरा इसी तरह इन्फॉर्मेशन भी लाते थे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।